देख रही हूँ। हम लिविंग स्टार्स को परम धाम की स्थिति में जो हमारा इटर्नल स्वरूप है, और इटर्नल स्थिति भी है, मास्टर बीज सुप्रीम बीज के साथ है। बस यही सत्य है।
हो सकता है मन को कुछ और बातें भी याद आ रही हूं। कुछ अनुभव क्रिएट करने की कोशिश भी कर रहा हूं। या चुपचाप बैठा मास्टर बीज का इंटरेस्ट सिर्फ बाबा में है। कंप्लीटली आइसोलेट कर ले अपने इस ट्रुथ को बाबा एंड आई, बाकी सब काल्पनिक है। एकदम अशरीरी है आत्मा, पर शरीर के सेंसेशंस फील कर सकती है।
आंखें बंद कर लें थोड़ी देर। बाहर की दुनिया नहीं दिख रही। बाबा और मैं लिविंग लाइट। बाबा का प्राणों से प्यारा बच्चा। बस एक दूसरे के साथ कम्युनियन में है। चित्र चाहे हो या ना हो, देखेंगे आंखें बंद हैं तो हो सकता है कुछ और दुनिया दिखाई दे। कोई पास्ट का सीन भी दिखाई दे सकता है। और हो सकता है परम धाम का सीन दिखाई दे रहा हो। Doesn't matter. आत्मा मन से बिल्कुल ही परे है। परम धाम का सीन अगर दिखाई दे भी रहा है, वो भी मन बुद्धि की स्क्रीन पर है। आत्मा उससे भी परे है। आत्मा और बाबा कंबाइंड और मन मिरर की तरह हो सकता है रिफ्लेक्ट कर रहा हो इस ब्यूटी को। आप उससे परे हैं। ये सीन में और पापा कंबाइंड। मन बुद्धि के मिरर से परे। जो
जाना जा सकता है। हो सकता है मन फिर कुछ और चित्र ले आए, तो भी ये सत्य मैं और बाबा कंबाइंड है, चेंज नहीं हो रहा। बॉडी कुछ और फीलिंग दे दे, सेंसेशंस कंफर्ट की हो सकती हैं, डिस्कम्फर्ट की हो सकती है, सब कुछ बाबा और मैं आत्मा इन अनुभवों से बिल्कुल साक्षी है, इमेजलेस विचित्र है। परमात्मा के सामने जैसे कि दो मिरर हैं, अब एक है बाबा के दिल का मिरर, बाबा का माइंड,
उस माइंड में ना चित्र बदलते न कहानियां बदलती, आत्मा को अपनी कांस्टेंट पापा के साथ कंबाइंड स्थिति महसूस होती। पुराना मिरर बीच बीच में हो सकता है कुछ दिखाए, पर जैसे आत्मा ने उसे बाबा को कंप्लीटली समर्पण कर दिया, वो अपना नहीं लगता। आंखें खोली थोड़ी देर, बाहर की सारी दुनिया आंखों से अब दिखेगी।
सेंसेस जैसे कि फ्लड हो जाते हैं। फिर भी सत्य बाबा और आत्मा बिल्कुल कंबाइंड सब अनुभव कर रही हूं बाबा के साथ। बॉडी की सेंसेशंस को माइंड हो सकता है, पुराना मन चेंज भी हो रहा हो, सब कुछ हो सकता है, पर मैं आत्मा बिल्कुल साइलेंटली स्टिल बाबा के साथ हूं। क्लियर अनुभव हो रहा है कैसे बॉडी की सेंसेशंस बदल रही है पल पल। कुछ भी नहीं है, सिर्फ सेंसेशंस का, जैसे कि एक सागर है बॉडी। और आत्मा लाइट कितनी अलग है, क्या मैं ये सेंसेशंस का सागर हूं या वो लाइट हूं? जो इन बदलती सेंसेशंस को अनुभव कर सकती हूं।
मेरा सत्य नहीं बदलता कि मैं लाइट हूं, लिविंग लाइट। आत्मा गहराई से पहचानती है सेपरेशन बॉडी की सेंसेशन से, जिससे बॉडी मैं हूं ये भ्रम टूटता है। ऐसे ही पुराने मन के जो थॉट्स हैं वो भी अभी हो सकता है बैठे बैठे शांत हों, या कुछ थोड़ा थोड़ा बीच में बोल रहे हों। पर वो भी चेंज हो रहे हैं। कौन हूं मैं? परम धाम की स्थिति में देखे आत्मा अपने आप को, बाबा के साथ। क्या निर्संकल्प आत्मा ये संकल्प हो सकती है? क्या शरीरी आत्मा ये शरीर की सेंसेशंस हो सकती है?
सिर्फ चेंजिंग अनुभव है और कुछ भी नहीं। पुराना मन और शरीर सिर्फ एक चेंजिंग अनुभव है आत्मा के लिए, निर्संकल्प अशरीरिया। इसीलिए आत्मा को बाबा ही सत्य क्लियरली डीप नोइंग में है। बाबा द सुप्रीम लाइट, काल मूर्त, आत्मा भी अकाल मूर्त। परम धाम में शरीर नहीं है, मन भी मर्ज्ड है, सब कुछ। बिल्कुल मन डोरमेंट, फिर भी मैं आत्मा एग्जिस्ट करती हूं। आने दो, जाने दो, जो भी अनुभव आते हैं। बॉडी में कभी दर्द है, कभी कंफर्ट है, आने दो, जाने दो, सेंसेशंस ही तो हैं। आत्मा थोड़े ही है वो दर्द, वो कंफर्ट, चेंजिंग सेंसेशंस। मैं कौन हूं जो उसको अनुभव कर सकती? Incorporeal living light. मन बुद्धि अपने रंग बदलते रहते हैं गिरगिट की तरह। मैं आत्मा कौन हूं? साइलेंट, विचित्र, साउंडलेस बीइंग हूँ। और जितना मैं अपनी इस निराकारी स्थिति को पहचानती हूँ,
मन बुद्धि अपने आप शांत हो जाते, बिल्कुल साइलेंट हो जाते। ये सारे अनुभव बाबा और मैं कंबाइंड देख के भी अनदेखा, कभी अनुभव बहुत प्लेजेंट होंगे, कभी अनप्लेजेंट होंगे माइंड बॉडी के। और सेंसेस भी कई चीजें देखते हैं पर देख के भी नहीं देखते बाबा और मैं कंबाइंड, बस यही सत्य है, बाकी सब भ्रम है। बॉडी इज अ बंडल ऑफ सेंसेशन, सत्य है, पर वो मैं हूं नहीं।3D कॉस्ट्यूम की तरह पहनी हुई है, मुझ लिविंग लाइट ने पहनी हुई है। मैं ये कॉस्ट्यूम नहीं, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है।
इसलिए जब ये क्लियरली सेपरेशन महसूस होता है तो बहुत क्लियरली एहसास होता है। कि मैं आत्मा कभी भी मरती नहीं, चेंज ही नहीं होती। डेथ एक कॉन्सेप्ट हो जाता है, कल्पना है डेथ। आत्मा के लिए एक्चुअल में ये शब्द एग्जिस्ट भी नहीं करता। इसलिए जो मन ने भय क्रिएट किया है इस शब्द को लेकर, वो भय भी अकाल मूर्त अमर ज्योतात्मा, उस भय को भी बिल्कुल बाबा के साथ साक्षी होकर देख सकते। ये भय भी सिर्फ एक कहानी है मन की, जो स्क्रिप्ट अनुसार मन ने रची है। इसलिए आत्मा एवर रेडी है। बाबा जहां बोले, जैसे रखे, चाहे इस शरीर में चाहे किसी और शरीर में, मैं आत्मा बिल्कुल न्यारी, जैसे इस शरीर को यूज करना चाहे, जहां बाबा को उस देह की जरूरत हो, अपने इस ब्यूटिफुल सत्यों की स्थापना के कार्य के लिए, मैं आत्मा एवर रेडी।
बीइंग ऑफ लाइट। बाबा की वॉर्म एम्ब्रेस में है, कंप्लीटली स्वतंत्र है इस बंडल ऑफ सेंसेशन से और बंडल ऑफ थॉट्स ऑफ माइंड से। बिल्कुल न्यारी, प्योर, साइलेंट, स्टिल लिविंग लाइट। घर में आते हुए भी मन की कहानियों के चलते हुए भी ये सत्य नहीं बदलेगा। ये सत्य है, इसीलिए बॉडी चल सकती है और माइंड भी एक्टिवली कुछ कर सकता है, सोच सकता है। मैं नहीं तो माइंड और बॉडी भी नहीं। ये सारी एक्टिविटी मुझ लिविंग कॉन्शियंट बीइंग के अंदर हो रही है। तो बाबा और मैं कंबाइंड ये इटर्नल ट्रूथ में रहते हुए स्टिल आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड मूवमेंट में आते हुए बॉडी मूव करेगी पूरे दिन। माइंड भी कभी चुप होगा, कभी कहानियां बोलेगा। पर ये सब पॉसिबल है क्योंकि मैं आत्मा, I exist beyond and before the mind and the body. दूसरी आत्माओं के भी बंडल ऑफ सेंसेशंस दिखेंगे, बंडल ऑफ थॉट्स दिखेंगे,
जो बाहर मैनिफेस्ट होते हैं, पर मैं लिविंग लाइट बाबा के साथ उन लिविंग लाइट्स को देख सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को पहचानती हूँ। सब कुछ करते हुए परम धाम की स्थिति में हूँ, बाबा के साथ स्टिल और साइलेंट पॉइंट्स को देख सकती हूँ, बात करते हुए और कर्म में आते हुए। और हम आत्माओं के बीच में जो मधुर सा, स्वीट सा इटर्नल रिश्ता है, बाबा की फीलिंग्स हैं, वो मुझ आत्मा को गाइड करती है। कर्म में आते हुए बस यही छोटा सा इजी सा अटेंशन देना है। शांति।